जिस सरकार के मंत्री के बेटे ने उनके पति को कुचला, जो प्रधानमंत्री उसी दिन, शायद उसके अगले दिन लखनऊ आए, या शायद उसके एक दो दिन पहले लखनऊ में थे, लखनऊ से उनका घर 15 मिनट में पहुंच सकते थे हेलीकॉप्टर में, वो क्या सोच रहे होंगे कि ये प्रधानमंत्री हमारे यहाँ नहीं आए, कुछ बोला नहीं, उन्होंने पूरी तरह से हथियारों का संरक्षण किया, आज भी उनके साथ मंच पर वो मंत्री खड़े हैं, वो आज माफी मांग रहे हैं जब 600-700 किसान शहीद हो चुके हैं, क्यों मांग रहे हैं? क्या ये देश समझ नहीं रहा है कि चुनाव आ रहे हैं, उनको लग रहा होगा परिस्थितियां ठीक नहीं है, विधानसभा के चुनाव जो हैं, उनका सर्वे आया है, उसमें उनको दिख रहा है कि परिस्थितियां ठीक नहीं है, तो अब चुनाव से पहले वो माफी मांगने आ गए हैं। तो देखिए, हमें समझना पड़ेगा, जो सरकार है उसके ही नेताओं ने किसानों को क्या 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 नहीं बोला, आंदोलनजीवी, गुंडे, आतंकवादी, देशद्रोही, ये सब किसने कहा? जब ये सब कह रहे थे तो क्या हुआ, प्रधानमंत्री जी चुप क्यों थे? बल्कि उन्होंने आंदोलनजीवी शब्द बोला। जब किसानों की हत्या हो रही थी, जब किसानों को मारा जा रहा था, जब लाठियां बरसाई जा रही थी, जब उनको गिरफ्तार किया जा रहा था, तो कौन कर रहा था? आपकी ही तो सरकार कर रही थी। आज आप आकर कह रहे हैं कि ये कानून आप रिपील करेंगे, तो हम कैसे भरोसा करें? हम आपकी नियत पे कैसे भरोसा करें? सब स्पष्ट है, सामने है देश के। मुझे खुशी इस बात की है कि ये सरकार समझ गई है कि इस देश में किसान से बड़ा कोई नहीं है। इस देश में अगर एक सरकार किसान को कुचलने की कोशिश करती है और किसान खड़ा हो जाता है, तो उस सरकार को अंत में झुकना ही पड़ेगा। ये सरकार समझ गई है, इस बात पर मुझे खुशी है। और मैं कहना चाहती हूँ कि जो किसान शहीद हुए इस पूरे आंदोलन में, कई किसानों के परिवारों से मैं पिछले पूरे साल में मिल रही हूँ, मैं मिली हूँ, मैं उनका दुख समझती हूँ, और हम सबको सबसे पहले उन्हें श्रद्धांजलि देनी चाहिए। अगर सरकार सचमुच सीरियस है, तो उनके लिए जो कार्रवाई होनी चाहिए, खासतौर से जो लखीमपुर खेरी में हुआ, उस पर जो कार्रवाई सही ढंग से होनी चाहिए वो करनी चाहिए, मंत्री का बर्खास्त करना चाहिए, और इस पूरे देश में जो किसानों की आवाज उठी है, हम सबको उनके साथ हमेशा के लिए खड़ा रहना चाहिए। किसान की बहुत समस्याएं हैं, आज हर तरफ से मजबूर है, हर तरफ से वो कर्ज में डूबा हुआ है। मैं ललितपुर गई, ललितपुर में भी आपने देखा कि खाद की लाइन में खड़े खड़े उनकी मृत्यु हो गई, कुछ किसानों ने आत्महत्या की। तो किसानों की जो समस्या है, जिसके लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसको ठीक तरह से समझना, उनकी समस्याओं को ठीक तरह से सुलझाने का कर्तव्य हम सबका है। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मुझे खुशी है कि जितने भी विपक्ष के दल हैं, सब ने पूरी तरह से समर्थन किया इस आंदोलन का, और किसान डटे रहे। हमारे भाई बहन जो दिल्ली के बॉर्डर पे भी थे और तमाम प्रदेशों में, सब डटे रहे, और आज हम उन सबको धन्यवाद देना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा, जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि। एक मिनट, मैं एक एक करके पूछूं। प्रियंका जी, क्या चुनाव में मिली जो हार है उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि आने वाले भविष्य में ऐसी हार? ये तो स्पष्ट है, ये बहुत स्पष्ट है। देखिए, जनता में बहुत विवेक है, जनता सब कुछ समझ रही है। प्रियंका जी, सेवरल फार्मर्स हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। और इतना समय क्यों इंतजार किया? इतना समय क्यों इंतजार किया?
आप आज तक तो आप कुछ नहीं बोले, एक बार आप बॉर्डर पे नहीं गए, एक बार किसानों से मिलने नहीं गए, एक बार बातचीत नहीं की, जहां हत्याएं हो रही है वहां भी नहीं गए आप, इतना पास आकर नहीं गए, तो आज अचानक क्या हो गया है? स्पष्ट है चुनाव आ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने माफी तो मांगा, लेकिन एक बार में जो लोग 500-700 किसान शहीद हुए 1.5 साल के पूरे आंदोलन में, उनके लिए वो श्रद्धांजलि नहीं दी, उनकी बात नहीं आई, उनके फैमिली की बात नहीं आई। वही मैं कह रही हूँ कि सबसे पहले तो उन्हें श्रद्धांजलि दीजिए ना, जो शहीद हुए हैं उनके परिवारों पर आज भी क्या बीत रही है। उन्होंने अपने पूरे भाषण में एक बात कही कि कृषि कानून किसानों की बेहतरी के लिए था, लेकिन कुछ किसान ऐसे थे जो उससे नाराज थे। तो फिर भी अभी भी जब वो अपने एक तरह से जो उन्होंने गलत किया है उसको पहचान रहे हैं, इसीलिए वो आज भाषण दिया उन्होंने, लेकिन अभी भी ये एक फर्क बनाना चाहते हैं कि ये किसान जो आंदोलन कर रहे हैं ये अलग हैं और बाकी देश के किसान अलग हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। पूरा देश का किसान एक है। आज देश में एक भी किसान नहीं है जो प्रताड़ित नहीं है, एक भी किसान नहीं है जिसकी बड़ी बड़ी समस्याएं नहीं है, जो कर्ज में नहीं डूब रहा है वो, या किसी और वजह से दिक्कत उसको नहीं आ रही हो। आपने देखा है पेट्रोल और डीजल के दाम क्या है, डीजल के दाम से सबसे बड़ा प्रभाव किस पर होता है? खाद मिल नहीं रही है, खाद की लाइन में लोग गुजर रहे हैं।